हेलो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। हालांकि इससे पहले मेरे पास HDFC बैंक का मनी बैक कार्ड था, जिसका भी मैं वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। देखिए, कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है हमें मनी बैक प्लस के इस तरह के नए डिज़ाइन और लोगों के साथ। तो आपको इस बॉक्स को देख के जान सकते हैं कि इसको मैंने पहले से ओपन कर रखा है। तो चलिए, मैं इसको पूरा ही ओपन कर देता हूँ। जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं सबको स्टेप बाय स्टेप। तो यदि मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं तो ये एक गाइड है। यहाँ पर आपको HDFC बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड आते हैं उन सबके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कार्ड के बारे में दिया गया है, उनकी लिमिट के बारे में, उनके एनुअल फीस के बारे में। यदि आप इसको देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपको रेगालिया जैसे कार्ड के बारे में भी जानकारी दी गई हुई है। देखिए, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स दी गई है बिजनेस प्रोग्राम के बारे में। चलिए, मैं इसको आपको जल्दी जल्दी दिखाई देता हूँ। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट बैलेंस, यदि आपका कोई लेट पेमेंट्स होता है तो देखिए ये कुछ इस तरह से जो उनके चार्जेस है, रिटेल कैश, फाइनेंस चार्ज, ओवर लिमिट चार्ज, लेट पेमेंट फीस, पेमेंट रिटर्न फीस, इजी EMI प्रिंसिपल। तो मतलब इसमें सारे चार्जेस के बारे में आपको जानकारी दी गई है। यदि आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं होंगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो। और इन्होंने यहाँ पर एक पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया है, तो आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ साइड पर, क्योंकि ये इतनी बड़ी है कि बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखिए, यहाँ पर एक और कार्ड लिखा हुआ टाटा न्यू प्लस। हालांकि ये कार्ड हमारा अप्रूव्ड हो चुका है, इसके भी बहुत जल्द वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दोनों दबा के रखिएगा यदि आप नए हैं तो। चलिए, अब इसको करते हैं साइड पर। जैसे ही इसको साइड पर करते हैं, हमें यहाँ पर फिर से एक कार्ड मेंबर एग्रीमेंट मिलता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कार्ड मेंबर एग्रीमेंट आप फिर से देख सकते हैं। यानी यदि आप बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो HDFC बैंक पे आपको बहुत सारी बुकलेट और इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगी, आपको ज़रूर पढ़नी है। यदि आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। इसको भी मैं करता हूँ साइड पर। और देखिए, हमें यहाँ पर एक और चीज़ मिलती है, इनेबल और ऑनलाइन ई कॉमर्स यूजेस ऑन योर क्रेडिट कार्ड। ये इसके बारे में जानकारी देती है कि हमारा क्रेडिट कार्ड को हमको इनेबल ऑनलाइन यूज के लिए कैसे चालू करना है। हालांकि जब हमें कार्ड मिलता है तो RBI की रिसेंट डायरेक्शन के हिसाब से, यानी गाइडलाइन के हिसाब से, कोई भी बैंक कार्ड को इनेबल करके नहीं दे सकती। यानी इंटरनेशनल और ऑनलाइन वो आपको खुद करना पड़ता है। तो ये बैंक की तरफ से ऐसा नहीं कि किसी एक बैंक की तरफ से ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये सारे बैंकों पर मिलेगा, क्योंकि ये RBI की गाइडलाइन है। देखिए, आप इसको इनेबल कर सकते हैं EVA से, यानी HDFC बैंक का जो ईवा है, ये एक चैट बॉट है जिसे आप आस्क EVA कर सकते हैं। ये HDFC बैंक की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन होता है, आपने इसको नोटिस किया होगा। और यदि आप व्हाट्सएप बैंकिंग से करते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग का इनका नंबर है 7077002222222। देखिए, इतनी बार 2 है। और ये इसका प्रोसेस है, आपको कार्ड सर्विस पर जाना है, फिर मैनेज माई कार्ड, और इंटरनेशनल लिमिट और डोमेस्टिक लिमिट आप दोनों इनेबल कर सकते हैं। OTP के बाद यदि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आपको कार्ड के सेक्शन पर जाना है, उसके बाद सेट नेट लिमिट्स पर, और आप इस तरह से कर सकते हैं। और यदि आप इसको पीछे की तरफ करेंगे तो भी आपको सेम यही जानकारी मिलेगी इसके बारे में। चलिए, मैं इसको भी करता हूँ साइड पर। देखिए, हमें यहाँ पर एक और HDFC बैंक का पिन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, कैसे हम IVR से पिन बना सकते हैं। इनका IVR का नंबर है 1860266033, यानी 3 टाइम 0 है। देखिए, क्रेडिट कार्ड का पिन बनाने का भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद आप नेट बैंकिंग से कैसे बना सकते हैं, ये भी मोबाइल बैंकिंग से, HDFC बैंक के ATM से, सारी प्रोसेस आपको बताई गई है। देखिए, यहाँ पर ये इंग्लिश में बताया गया है आपको और पीछे हिंदी में। अब इसको भी करते हैं हम साइड में। देखिए, हमें फिर से एक एग्रीमेंट मिलता है कुछ इस तरह का। आप देख सकते हैं, यदि मैं आपको पूरा बताऊं तो अभी तक हमें इतना कागज़ मिल चुका है इसमें। देखिए, इतने सारे कागज़ अभी तक हमारे इसमें मिल चुके हैं, अभी फिलहाल 2 और बचे हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। और ये एक और बुकलेट है जहाँ पर आपको इसकी कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट यानी NFC के बारे में जानकारी मिलेगी। यदि आप NFC नहीं जानते तो मैंने एक वीडियो बनाया था पेटीएम पर, आपको टैप टू पे यानी NFC कैसे पेमेंट करना है, तो वो वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं, या आई बटन पे मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। NFC कैसे वर्क करता है इसके बारे में जानकारी दी गई है। 4 स्टेप में यहाँ पर आपको, देखिए, आपके कार्ड पर एक कॉन्टैक्ट लेस लोगो होता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर भी होता है, ये ज़्यादातर नई मशीनों में अब होता ही होता है। और यहाँ पर आपको अमाउंट आपका मर्चेंट डालेगा, उसके बाद आप कार्ड को अपने टैप करेंगे और वो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, 5,000 तक के पेमेंट के लिए आपको कोई भी पिन नहीं डालना पड़ता। पहले लिमिट 2,000 थी, उसके बाद इसको बढ़ाकर 5,000 कर दिया है। ये भी RBI और रिजर्व बैंक की तरफ से नहीं हुआ है। देखिए, अब हमें यहाँ पर मिलेगा अपना क्रेडिट कार्ड। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ HDFC बैंक का लोगो है, और यहाँ पर मनी ब्लैक आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और देखिए, यहाँ पर कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स, मेरी लिमिट 74,000 है, आपको मालूम है।
और यदि आप इसको नीचे की तरफ करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको प्रेजेंटिंग HDFC बैंक मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। बेसिकली ये मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड HDFC मनी बैंक का एक अपग्रेडेड वर्जन है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलता है 10x का कैशबैक पॉइंट यदि आप इन मर्चेंट पर कर देते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बिग बास्केट, रिलायंस स्मार्ट और स्विगी। यदि आप इस पे यूज करेंगे तो आपको 10x का कैश पॉइंट मिलेगा और 5x का कैश पॉइंट मिलेगा आपको EMI मर्चेंट ट्रांजेक्शन करने पर, ये सिलेक्टेड लोकेशन पर ही होगा। और 2 कैश पॉइंट आपको मिलेंगे पर 150 स्पेंड ऑन अदर स्पेंड, यानी जो भी आप अदर स्पेंड करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको 2 कैश पॉइंट मिलेंगे। और देखिए आपको यहाँ पर अप टू 15% डिस्काउंट ऑन पार्टनर रेस्टोरेंट वेयर डाइन आउट, यदि डाइन आउट से आप इसकी डाइनिंग की सर्विस लेते हैं यानी रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए मैं इस कार्ड को निकाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, आपको 500 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा ऑन स्पेंड ऑफ 50,000 पर कैलेंडर क्वार्टर, यानी आप 3 महीने में 50,000 यूज कर लेते हैं तो आपको 500 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा और इस हिसाब से 1 साल पर 4 कैलेंडर क्वार्टर होंगे यानी 5 × 20, यानी आप इस पर 2,000 तक का आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो ये इसका कुछ इस तरह से कैलकुलेशन होता है मैंने आपको बताया। और यहाँ पर इनके मैसेज दिया गया है पराग्राव जो कि इनके कंट्री हेड है पेमेंट्स एंड कंज्यूमर फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के HDFC बैंक के। देखिए कुछ इस तरह से अब मैं इसको भी करता हूँ साइड पर, पीछे की तरफ से आपको वही इंस्ट्रक्शन जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए कार्ड कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए इस कार्ड पर आपको HDFC बैंक की ब्रांडिंग, यहाँ पर टैप टू पे यानी NFC का लोगो है, यानी ये कार्ड NFC पेमेंट को सपोर्ट करता है। मनी बैक प्लस की भी आपको ब्रांडिंग और यहाँ पर ये मनी बैक प्लस को जो नया इंट्रोड्यूस किया था बैंक ने उसके लोगो भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको मेरा नाम ब्रिजेश सिंगरौल देखने को मिलेगा और ये कार्ड मास्टर कार्ड की तरफ से आता है तो मास्टर कार्ड की भी आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। देखिए इस कार्ड पर आपको जो इसके कार्ड के 16 डिजिट है वो ऊपर की तरफ उभरे हुए नहीं है, यानी इसको आपको पीछे की तरफ देखना होगा। तो चलिए मैं आपको पीछे कुछ दिखाता हूँ उसको। यदि आप कार्ड को पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर सेम वही जो हर एक कार्ड पर रहता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए नेपाल और भूटान में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और हम अभी अपने देश का बना रहे हैं आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई। तो देखिए कार्ड ये कुछ ओवरऑल इस तरह का दिखता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।